बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें अपन एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और इसमें हम लोग ईटीओ माइनस यानी बेस की तरह काम करेगा, इसे अटैक करवा रहे हैं। बोला है कि कंपाउंड ए बनेगा और बोला गया ए में कितना कारल कार्बन होगा। ठीक, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कीटोन दिख रहा है और ऊपर में एक एस्टर मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जो अल्डोल टाइप होता है, अल्डोल नहीं होता है, अल्डोल के जैसा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या करेंगे, बेस जो होगा उससे हम कार्बोनाइल ग्रुप यानी कीटोन के अल्फा पोजिशन में चार्ज नेगेटिव बनाएंगे। ठीक, तो जब नेगेटिव बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये नेगेटिव जो होगा एस्टर पे अटैक करेगा, तो आपका रिंग का साइज बटर क्या होता है, 5 या 6 मेंबर। तो अगर नेगेटिव हम यहाँ बनाएंगे उस केस में ये पोजिशन अटैक करेगा इस पॉइंट पे, तो ए 1, ए 2, ए 3, ए 4, ए 5, ए 6, तो अपना 6 मेंबर एक रिंग बनेगा। उसको हम जोड़ के देखते हैं हम लोग चलो। और यहाँ जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो ओ ए टी ग्रुप है बाहर निकल जाएगा, बाहर तक लीक कर जाएगा। यानी 1 को लिंक करना 6 से, 1 जब 6 से लिंक होगा तो 6 मेंबर कंपाउंड बनेगा। नंबरिंग कर लेते हैं, तो 6 पॉइंट पे डबल बॉन्ड ओ है, 1 पॉइंट पे क्या था, ये 6 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट हुआ। 2 पॉइंट पे भी अपने पास डबल बॉन्ड ओ है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है। ठीक है, अब 5 और 4 जो है आपके पेंटागोन रिंग का पार्ट है, यहाँ पे एक 5वां रिंग ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। और 5 पॉइंट पे एक्स्ट्रा मिथाइल जुड़ा हो जिसको हम दिखा सकते हैं। आपका जो पॉड फॉर्म करेगा कुछ ऐसा बनने वाला बच्चों लोग। अब इस पॉड में मुझे पता करना है कि कितना कारल सेंटर है, तो ध्यान देंगे जो पोजीशन नंबर देखोगे 5 है और जो 4 है वहाँ पे उसका चारों वैलेंसी अलग अलग है, यानी ये दोनों पोजीशन बिहेव करेगा एज ए कारल कार्बन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कितना कारल सेंटर होगा तो सिंपली आपको बोल देना है इसका आंसर होगा 2। एक अच्छा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन।